यहाँ पर बड़ी अपडेट एआरओ नागपुर से आ रहा है। हमारा एक जो एस्पिरेंट है नाम है उनकी प्रतीक, तो प्रतीक ने एक्सलेंट मारा है। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का खुलासा किया, वहाँ पर कैसे रिजेक्शन हो रहा है, कौन सी ग्रुप के उनकी रनिंग आए, कितने का ग्रुप था और कितने बंदे ले रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। उनकी आवाज़ आप सुनेंगे, अभी उनसे हमने बात किया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। प्रतीक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है हमें। हाय प्रतीक। हाँ सर बोलिए। हाँ कैसा रहा रनिंग तुम्हारा? रनिंग सर बढ़िया रहा। हाँ कैसे, कौन सी, आप अग्निवीर जीडी में गए थे ना? जी सर। तो वहाँ पर एआरओ नागपुर, हाँ सर एआरओ नागपुर। तो वहाँ पर मतलब आपका कितने बजे बुलाया था आपको? सर 9 बजे हमारा रिपोर्टिंग था। हाँ रात में हाँ 12 बजे हमारा रनिंग हुआ। 12 बजे के बाद। रात में रनिंग हुआ? हाँ रात में सर। अच्छा रात को 9 बजे। किसमें आपको पता चला कि 9 बजे आपका रिपोर्टिंग है? एडमिट कार्ड में? हाँ एडमिट कार्ड में। तो एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आ गया था? एडमिट कार्ड करीब 15 15 दिन 15 20 दिन पहले आ गया था। अच्छा आपने उसको डाउनलोड कर लिया था और देख लिया था? हाँ सर मेल आया था उसका जी मेल। ओके 9 बजे जैसे आपने रिपोर्टिंग किया, तो उसके हाँ बाद सर। क्या क्या कराया थोड़ा बताओ। पहले सर जैसे हाइट चेक होता था, अभी इस बार हाइट चेक नहीं हो रहा। पहले रनिंग होता है, सीधा अंदर जाते बैठाते हैं, बैठा के ओके रखते हैं थोड़ी देर तक, फिर हाँ बाद में 1600 के लिए ग्राउंड पे लेके जाते हैं। 100 100 का बैच बन रहा है ओके। और फिर ग्राउंड पे लेके जाते हैं दौड़। तो 1600 मीटर के लिए कितना टाइम दे रहा है? 5:30 5:40 तो दे ही रहा। मतलब वही जो नोटिफिकेशन में लिखा था 5:45 लास्ट। हाँ हाँ सर, वो ओके क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सर लोग कि जो 5:30 के अंदर आ जाएंगे हम उनको ले लेंगे। 5:30 के अंदर जो आ जाएगा। हाँ फिर वो 50 बंदे रहो या 60 बंदे रहो हम उनको ले लेंगे, ऐसा बोल रहे हो लोग। अच्छा हाँ तो मतलब ये कि 100 100 का ग्रुप है, उसमें 5:30 में अगर आप आ जाते हो, चाहे उसमें 100 में से 100 क्यों ना आ जाए, सबको ले लेंगे। हाँ सर, अच्छा तो और उसमें से हाँ, 5 10 के अंदर मतलब जो आ रहे हैं उनको एक्सीलेंट माना जा रहा है और फर्स्ट ग्रुप में ले लिया जा रहा है। और बाकी 5:45 तक सेकंड ग्रुप में, हाँ 5:45 तक सेकंड ग्रुप। फिर थर्ड और फोर्थ नहीं है अभी फिलहाल। नहीं सर। ओके दो ग्रुप बन रहा है ना। हाँ सर। अच्छा आपके ग्रुप में आपने क्या मारा, एक्सीलेंट मारा? हाँ सर एक्सीलेंट मारा। कितने में खत्म किया आपने? सर वो जो अभी उतना टाइम तो नहीं लगा रहा था, लेकिन हाँ आर्मी वाले सर बोल रहे थे कि आप हाँ लोगों ने अच्छा ही दौड़े, 5 के हाँ अंदर तो हो गए बोले। ओके तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, 5 के अंदर आपने मारा। जी सर थैंक यू। और उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में आपका हो गया, मतलब 60 मार्क आपने ले लिया। हाँ सर 100 out of 100 फुल अप्स का भी। अच्छा हाँ, पुल अप्स का भी आपने 40 ले लिया, 10 मार दिए हाँ हाँ और जिगजैग बैलेंस और 9 फीटी जो पास कर गए। हाँ वो सिर्फ क्वालिफाई रहता है ना। हाँ वो क्वालिफाइड तो रहता है, मतलब पास करके वही। जी सर। तो मतलब 100 आपका ये हो गया, और हाँ रिटिन में कितना तक तो आया? रिटर्न में 38 क्वेश्चन किया था अभी, तो पता हाँ नहीं सर अभी। पचास से ना, 50 से हाँ 50 से। मान लेते हैं, उसमें अगर आपका 35 क्वेश्चन सही है हाँ सर। तो 2 मार्क के हिसाब से 70 बन रहे हैं आपके। हाँ 70 और ये 100 170, आपका तो कोई रोक ही हाँ नहीं सकता। एनसीसी वगैरह है? नहीं सर एनसीसी तो नहीं। अच्छा तो मतलब 170 आपका तो पक्का हो जाएगा। एयरो नागपुर से ना? हाँ एआरओ नागपुर से। ओके। फास्ट रनिंग करवाया, जैसे 12 बजे आपका रनिंग करवाया, 100 बंदे दौड़ाया, हाँ सर। हाँ और सर आपने कैसे दौड़ा था, वही जो लेफ्ट वाला ट्रैक पकड़ के दौड़ा था या कैसे दौड़ा था? जी सर, वो इनर इनर साइड जो लेफ्ट ट्रैक रहता वही, क्योंकि वही दौड़ा था ना। इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं था तो निकलने में आसानी भी हुआ। ओके। आप जैसे बैठे थे, मैं वीडियो में काफ़ी बार बताता हूँ कि आगे जाके बैठना है, जहाँ लाइन जी सर। व्हाइट लाइन होता है वहाँ से सीधा लेफ्ट कॉर्नर में बैठो, वो सबसे सही हाँ रहता है। सर। तो ऐसे आपने हाँ किया था? हाँ सर। ओके उसका फ़ायदा हुआ आपको? हाँ सर बहुत फायदा हुआ। ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपका हो गया ये रनिंग हो गया, तो कैसा फील हुआ? सर अच्छा लग रहा था कि रनिंग का ही डर था थोड़ा, कि इस हाँ बार थोड़ा रनिंग में मतलब जल्दी आ गया। 10 जून हाँ से ये रनिंग हो गया था हमारा नागपुर एयरो का, सबसे पहले हुआ इंडिया में दस अग्निवीर जून का को रनिंग। हाँ 10 जून से स्टार्ट हो गया है नागपुर ओके एयरो में, थोड़ा ओके जल्दी आ गया। हमें 1 1.5 महीना ही मिला प्रैक्टिस के लिए हाँ एग्ज़ाम के बाद, हाँ तो वही थोड़ा डर था, लेकिन अच्छा है बंदे कम ले रहे, सौ हाँ का बैच बन रहा तो अच्छा हुआ। हाँ तो 100 में से जो 5:45 तक आएगा उसको सारे को ले हाँ लेंगे। सर। हाँ हाँ सर। और उसके बाद आपका उसका बीम करवाया, ठीक है, हाँ उसमें सर। उसमें बढ़िया से करवाया या ज़्यादा स्लो स्लो करवाया? नहीं सर वो एवरेज था, मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं फास्ट भी नहीं, फास्ट भी नहीं, नॉर्मल ठीक करवाया। था नॉर्मल सर।
अच्छा ओके okay. क्योंकि काफी टाइम मैंने भी देखा है, हम जब रैली कंडक्ट करते हैं ना, बंदे को ऊपर हाँ रख सर, देते, अप करके रख देते, तो ऐसे तो नहीं, नॉर्मली नहीं करवाया, नहीं अप सर, डाउन अप नॉर्मली करके। करवाए। हाँ सर, ओके, उसके बाद ये दोनों इवेंट हो गया। अभी आपका हाइट फिर बाद में नापा, रनिंग के बाद हाँ, हाइट बाद में नापा जा रहा है, पहले नहीं हो रहा है, हाइट वेट बाद में हो पहले। रहे हैं। हाँ, वही मेडिकल के दौरान जब होता है री हाइट। हाँ, रनिंग के बाद जहाँ मेडिकल में लेके जा रहे हैं वहाँ, मतलब हाँ डबल फटीक वहाँ नहीं कर हाइट। रहे हैं। हाँ पर इस बार सर हाइट में ज्यादा नहीं बंदे कट रहे, लेकिन वेट में ज्यादा बंदे कट रहे। हाइट के हिसाब वो से वेट ले रहे हैं ना, हाइट के हिसाब से, ओके। तो उसमें इस बार देखा जा रहा है कि वेट में ज्यादा बंदे बाहर हो रहे। अच्छा, वेट में बाहर कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट बाहर कर रहे हैं। हाँ सर, 1 किलो 2 किलो पहले कैसा केले खाने देते थे अंदर हाँ इस बार, और चेस्ट के लिए डिश मार बनने लगाते थे, अभी हाँ वो सब नहीं करने दे रहे, ज्यादा हाँ समय नहीं दे रहे अंदर में। अच्छा, मतलब उनको यही है, मैं पहले बोला था कि वैकेंसी जितना है उनको मेरिट लिस्ट भी बनाना है, तो जितना हाँ निकाल लेंगे उनके लिए इजी रहेगा मेरिट लिस्ट बनाने का। हाँ तो सर, मतलब आप पहले बोल, हाँ सर इसके पहले जो भर्ती हुआ था उसमें बहुत ज्यादा मतलब बंदों को मेडिकल में पॉइंट मिल रहा था, इस बार ज्यादा बंदों को पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, एकदम जब मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए बाहर भेज रहे। ओके। बाकी जो आप बोलो हाइट और वेट और योर जो चेस्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट हो रहा है इस बार। हाइट के अकॉर्डिंग वेट ले रहे बस, ओके, हाइट यही अकॉर्डिंग वेट मेन और है। चेस्ट भी आपका एवरेज होना चाहिए, जो 77/82। हाँ सर, हाँ ओके ओके। उसके बाद आपका क्या हुआ, मतलब जैसे फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका क्या, खाने खुने कुछ दिया आपको? आज थोड़ा सुबह नाश्ता मिला था सर। दिया? चलो हाँ यार, सर, पहले तो नहीं देते थे यार, हम लोग तो पूरे दिन नहीं भूखे सर, थे। इस बार बाहर में भी स्टॉल लगे, वो मतलब हाँ कोई कोई डोनेट कर रहा है, केले अच्छा, वगैरह, प्रोटीन वगैरह दे रहा है, अंडे वगैरह सब हाँ बाहर स्टॉल। हाँ गुड सर, फ्री यार, में, अच्छी बात है यार। मतलब बाहर के लोग जो सिविलियन है ना वो डोनेट कर रहे बच्चों को, वाह वाह, बहुत अग्निवीर अच्छी को। बात है। कहीं कहीं मतलब ये कुछ कुछ ही जगह पे मतलब मिलता है देखने के लिए ऐसे नज़ारा, अच्छी हाँ बात। सर, उसके बाद अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। हाँ सर, पहले ऑफलाइन चेक हुआ फिर ऑनलाइन में उसको वेरीफाई किए, इसलिए थोड़ा समय लग गया। तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है, बिल्कुल लेके गए पूरा जो बताया था? हाँ सर, हाँ पूरा हाँ क्लियर, पूरा सही क्लियर है। है। और हाँ जो मेडिकल कब होगा, आज होगा तुम्हारा, कल होगा? कल होगा सुबह 5:30 बजे। अच्छा, कल होगा ना, हाँ तो सुबह, कल जब भी जाते हो, जो आपका जो अनवांटेड हेयर वगैरह क्लीन करके शेव करके जाना, ठीक है? यस और सर, जैसे ईयर वगैरह कान वगैरह साफ सफाई करके जाना, ठीक है? यस सर, और जो बाकी जो जो मतलब जो शेविंग वगैरह करके जाना, क्लीन करके जाना एक डिसिप्लिन में तरह, ठीक है? हाँ सर, उसमें क्या है, देखने में बंदा अच्छा लगता है ना, बाद में तो हाँ मेडिकल सर, होता ही है, ठीक है? पूरा क्लीन करके जाना बिल्कुल, ठीक है? जी हाँ सर, और ठीक है, कल फिर बताना मेडिकल का क्या हुआ, ठीक हाँ है? सर, और कोई वो ऐसा चीज़ है जो ध्यान रखने वाले, अभी जैसे मेरे हमारे कुछ तुम्हारा भाई बहन कोई जाएंगे, ऐसा कुछ चीज़ें मतलब आपको मतलब ऐसे बोलना चाहते हो आप, रनिंग में ये चीज़ें करना चाहिए उनको जैसे पास हो जाएंगे? रनिंग में बस प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होगी तो वो तो कर ही देगा सर, इतना कर ही हार्ड नहीं इस देगा ना, बार। मतलब आप हाँ बोले 5:45 तक आ जाओ कैसे भी हाँ करके, बस दौड़ फाइव दाड़ के फोर्टी फाइव मतलब फाइव चार राउंड मार ही दो है। हाँ सर, ग्राउंड कैसा इस था, बार ट्रैक ट्रैक कैसा था? तो सिंथेटिक ट्रैक है, सिंथेटिक ओके, लाइक वाला। सर जो प्लेयर जो रहते एथलेटिक्स प्लेयर वाले जो ग्राउंड अच्छा, नहीं रहते क्या? वो वाला ट्रक हाँ था? सर, हाँ, रबर ओहो वाला। ओहो, उसमें तो स्पाइक सूजी काम करता है भाई। हाँ सर, फिर भी गांव के बंदे तो, बहुत सारे गांव के बंदे तो बिना सोच के भी भाग रहे हो आप। हम लोग तो गांव के बंदे तो कहीं भी भगा दो भाग लेंगे, हाँ सर, ठीक है? खेती में जो काम किया उसको क्या धरना है, हाँ सर, हाँ ठीक है? अच्छा रनिंग किया, ठीक है? चार राउंड था, स्ट्रेट था? हाँ 4 राउंड सर, एकदम 4 राउंड, ओके, सौ अच्छा बंद ग्राउंड। 100 बंदे, और उनमें से कम कितने रख रहे हैं, 40 60 हाँ 30-40, तीस 30 40 चालीस तीस चालीस रख रहे हैं, हाँ हाँ मतलब उनकी सीधी सी बन रहा है, 5:35 5:45 के अंदर आ जाओ हाँ आराम सर, ले वो लेंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो 35 के अंदर आ जाएगा, कितने भी बंदे हो फिर हम रख लेंगे उनको। ठीक है। और ये ज्यादातर वेट का प्रॉब्लम आ रहा है ना, हाँ वेट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट ले रहे हैं, और ठीक अंदर है? में ऐसा पहले केले वेले खाने देते थे वेट बढ़ाने के लिए, अभी तो कुछ नहीं दे रहे अब हैं, नहीं, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट प्रोसेस हो रही है। ओके, सीधा आउट कर रहे हैं, हाँ वही सीधा आउट। मतलब फिजिकली फिट रहो। हाँ और फर्जी डॉक्यूमेंट वाले भी पकड़े जा रहे हैं, जो वो 10वीं तो दोबारा कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो मैं भाई बताया था वीडियो में काफी बार,
हाँ उनको उनके भी साथ, पकड़ा जा रहा है। हाँ उनके साथ मतलब वो नहीं करना, चटकी नहीं मारना, क्योंकि उनको सब पता रहता है जो रैली कंडक्ट करते हाँ हैं, सब सभी को पता रहता है यार, सभी इधर से ही गए हैं ना, तुम्हारे से तुम्हारे जैसे से ही गए हैं, ठीक है, हाँ सर हम कभी तुम्हारे जगह पे थे, वहीं से उठ के जी आए ना, वही काम हम तुम्हारे साथ करवा रहे हैं, और तुम ओवर हाँ क्रॉस करोगे तो कैसा होगा, पकड़े जाओगे, फिर जेल जाओगे, क्या फायदा, सारी यस जिंदगी सर। भर और तुम्हारे मेरे सर्टिफिकेट ब्लॉक कर देंगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी हो गया एक्सीलेंट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में हो गया अच्छा, उसका उनका भी। भी हो गया, हाँ मैं थर्ड ग्रुप में था, वो फर्स्ट ग्रुप में था उनको जोड़ो चैनल के साथ, बात करेंगे उनको। ओके, जी सर। उनको एक क्लर्क फॉरवर्ड वाला भी दोस्त है, क्लर्क वाला, उसका भी हो गया एक्सीलेंट में। हो गया, चलो अच्छी बात हाँ है, आप लोगों ने अच्छा रन किया, ठीक है, खुद के ऊपर जी भरोसा सर। रखा, आप लोगों ने अच्छा रन किया, गुड, हाँ सर चलो थैंक यू प्रतीक, और हम बात करते रहेंगे, आपको लाइव लाएंगे, ठीक है, 2-3 दिन के बाद, यस सर, थैंक यू चलो सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। तो यहाँ पर प्रतीक ने एक इम्पोर्टेंट बात किया मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल का जो हाइट को लेके वेट का आपका कितना रहना चाहिए उसका वीडियो मैं कल सुबह डाल दूंगा, वो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाइट सॉरी वेट ज़्यादा है तो भी कमेंट कर लेना, अगर वेट कम है तब भी कमेंट कर लेना, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा आपकी वेट बढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पर आपकी रिजेक्शन ना हो। उसने यही बोला कि सर वेट में ही रिजेक्शन हो रहा है, हाइट ऑब्लिक वेट और चेस्ट में, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मैं आपका क्लियर करवा दूंगा एज ए पर्सनली, आप नीचे कॉमेंट कर लेना। और वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आपकी रैली कब है डेट कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।